देखिए, बेटियों की इज्जत के मामले में झारखंड एक बार फिर शर्मसार हुआ है और इस बार रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। इस बार झारखंड पुलिस में जो लोहरदगा में कार्यरत दो पुलिस बल के जवान हैं, उन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ बर्बरता से बलात्कार किया और उस महिला को इलाज के लिए रिम्स में एडमिट होना पड़ा है। ये हेमंत सरकार के कार्यकाल के पिछले 33-34 महीने में लगभग 5,000 के आसपास बेटियों की इज्जत लूटी गई है, जिसमें एक तिहाई बेटियां जो हैं वो आदिवासी हैं और बमुश्किल आधा दर्जन के आसपास ही जो बलात्कारी हैं उनको स्पीड ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दिलाई गई है। इस सरकार में करप्शन इतना ज्यादा है, सरकार पूरे तरीके से आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसलिए बेटियों की सुरक्षा इस सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है। हम मांग करते हैं कि इसके लिए स्पेशल टीम का गठन हो और जो भी आरोपी पुलिसकर्मी है उनको अविलंब गिरफ्तार करके उनको कठोरतम सजा दिलाई जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।